और बहुत से लोग आपसे दम करवाना चाह रहे हैं। अगर आप मैं अभी सबको दम कर दूंगा, अल्लाह से कहूंगा या अल्लाह ने सारे ठीक कर दे जी। मुख्तलिफ किसी के मेदे का दर्द है, किसी के बच्चों का प्रॉब्लम है, कुछ कानों में दर्द है, कुछ लोग कह रहे हैं कानों में दर्द है, कुछ लोग कह रहे हैं मेदे में दर्द है। मैं अल्लाह को कहता हूँ अज़ी बिल बास रब्बनास वशफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सका। या अल्लाह कोई बीमारी ना छोड़, ना मेरे अंदर ना इनके अंदर। सही है ना? जब हम एक दूसरे के लिए खुलूस है, ये वो लफ्ज़ हैं कि आखिरी अयाम में जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसको पढ़ा तो आप सबने फरमाया कि आशा हुन ते बस जाना ही, अपने यार में मिलना है, अब तो रफ़ीकुल आला से मुलाकात करनी है, अब जो मर्जी पढ़ो मैंने जाना है। तो ये इतनी बाअसर दुआ है, लेकिन इसके ऊपर पहले गुमान तो बनाओ कि मैं अल्लाह को कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ। यकीन से पढ़ो ना। अल्लाह कहता है बंदे तेरे में गुमान के मुताबिक हो, ठीक है ना। तो आप मैं आपने आपको भी पहले दम करूँगा, फिर आपको भी दम करता हूँ। इस पर भी मुझे कहेंगे लो जी सल्फी साहब ने एनिया वरिया बिठा के दम किया है जी। अब एक एक को तो मैं करने से रहा, अब आप बैठी हुई हैं, अल्लाह बरकत दे दे। अल्लाह मैं अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ ना, तो वो तो कादर है, वो तो कौन कहेगा, सारी कायनात को भी अल्लाह ठीक कर सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, क्योंकि जब अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो फिर वो राह दिखाता है। वो यहदी इलैही मैं युनीब, ये वो कहता है कि मैं जो मेरी तरफ रुजू करता है मैं उसे राह दिखाता हूँ। वो तो कुदरत रखता है कि पैदाइशी मुसलमान पैदा कर दे, हर तरफ इस्लाम इस्लाम हो, लेकिन वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरी आपकी आजमाइश है, कोई भी कोई मसला आ जाए, ये मेरी नसीहत है आपको। वावेला करने से, ताड़ा लोटी करने से, हमारी पंजाब में ना पटवारी में वो हम ताड़ा लोटी कहते हैं, पीटना पूटना, ये हाय मार गए लुट गए, इसके करने के बजाय ना आप अल्लाह से मदद मांगनी शुरू कर दें। आप आजमा कर देखें, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। आपको कोई खबर मिलती है या कोई मामला होता है ना, आप कुछ नहीं आता, आप अल्लाह की कसम दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करेंगे, एकदम आपके दिल को धारस बनेगी। क्योंकि ये एक ऐसी दुआ है, कुरान एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अल्लाह कहता है ना, जब कुरान पढ़ा जाए तुम खामोशी से सुना करो ताकि तुम पर अल्लाह कह रहा है। किसी को बोलो, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्योंकि वो बहुत बड़े माहिर थे जिन्नात से, तो कहते जब मुझ पर कभी कोई शैतान हमला करता, ऐसा मेरे साथ भी बहुत दफ़ा होता है, तो फिर मैं कभी अपनी वाइफ को या कभी किसी को बोलता हूँ यार आयात सकीना 6 हैं कुरान पाक के अंदर, आयात सकीना, तो मैं आपका नंबर भी लिखवा दूँगा, आप फौरी तौर पे ना किसी को बोले मेरे पास पढ़ो हैं जी। ये सूरह बकरा की 259 है, 200 नहीं, ये सूरह बकरा की 248 एक ये आयत है, और सूरा तोबा की ये 26 और 40 है, 26 नंबर और 40 नंबर ये आयत सकीना। अब मुझे नंबर सही याद नहीं, आप नेट पे डालेंगी ना आयत सकीना तो आपको ये मिल जाएगा। तो सूरा फतह की ये 4, 18 और 40 मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। ये 6 आयतें हैं। किसी को भी बोले, कोई बीमार है बेचारा तड़प रहा है, हाय मर गया ये हो गया, आप उसके पास बैठ के सूरा आयात सकीना पढ़ेंगे, अल्लाह के फल से उसको उसी वक्त अल्लाह सकीना उतारेगा। लेकिन गौर से पढ़ना है, गौर।